जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सैटरडे आज, और जैसा कि आप लोगों ने देखा है, मैंने आप लोगों को क्लास के लिए एक डिटेल में समझाया, क्लास जो होगी अगस्त की, और ये शायद मेरे ख्याल में ये हमारी आखिरी क्लास भी हो सकती है। मतलब इसके बाद क्लास जो भी होगी वो साल में सिर्फ एक बार या दो बार मैक्सिमम होगी। तो आप ये मौका मत छोड़िए, इस रेट में जो मैं आपको 8000 टिल आपका जून की 30 तारीख तक आपको 8000 है, और उसके बाद 12000 है 1 जुलाई से 31 जुलाई, और 1 अगस्त से 15000। तो ये आपने कल देख ही लिया। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो 30 जून तक ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस 18 अगस्त संडे के दिन से स्टार्ट होगी और 3 महीने चलेगी। ओनली संडे के दिन क्लास होती है और 1.5 से 2 घंटे की होती है मैक्सिमम। और आपको इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है, बट आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि ये वीडियो आप कभी भी शेयर नहीं करोगे किसी को भी, अदरवाइज लीगल एक्शन ले सकते हैं आप। ये आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है। तो दैट्स इट। ये अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको 9635476788 पे व्हाट्सअप करना है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो आपको व्हाट्सअप करना है। भूल से भी आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह ये सब जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो मत भेजिएगा, वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फर्दर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में देखिए कल सब कुछ अच्छा हुआ लेकिन 23500 के ऊपर क्लोजिंग आई है, 1 पॉइंट ही ऊपर आई है बस। ये मुझे थोड़ा रात को टेंशन में डाला। देखिए मार्केट कल अच्छा रिवर्स हुआ, कल वीकली लो भी तोड़ा, वीकली हाई बनाया तो वीकली लो तोड़ा भी, 400 के लेवल को भी तोड़ा, लेकिन क्लोजिंग करते करते 501 पे क्लोज हो गया। और बैंक निफ्टी तो बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है, तो हो सकता है। देखिए मैंने इसीलिए सबको बोला जुलाई के पुट और अगस्त के पुट लीजिए, बिंदास रही है, क्योंकि हो सकता है हम 25-26 जून तक तेजी भी हो जाए, हो सकता है। मंडे को पता चलेगा क्या माहौल है, क्योंकि ये 500 के नीचे क्लोज नहीं आई, बस ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है 23844 जो 3 तारीख का फ्री खाई। अदरवाइज मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा मिनिमम टारगेट 10 जुलाई तक, फिर भी अगर ये 2-3 दिन बढ़ता भी है अभी मंडे ट्यूसडे वेनसडे, तो भी मेरा मिनिमम टारगेट 10 से 15 जुलाई के पहले पहले 22500 है, 22500 के करीब है, और 49000 बैंक निफ्टी पे, और ये आने हैं, ये आप मान के चलिए। अगर ये 25-26 जून तक तेज भी रख लेता है, क्योंकि देखिए कल 501, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता हूँ, जबकि कल 398 मारा तो 501 पे क्लोज नहीं होना चाहिए था। तो ये एक पॉइंट है, तो हो सकता है मंडे। बस डरा रहा मुझे क्या है, वो 23844 का जो 23844 का 3 तारीख को फ्री खाई मारा है, तो उसको जून महीने में ही आना पड़ता है नियम से, नियम से। तो अब एक्सपायरी के 3 दिन बचे हैं और इसने 23500 का सिग्नल दिया, तो बस ये एक डर मुझे सता रहा है। बाकी इतना बोल देता हूँ, अगर ये आ भी गया तो आपको 10 दिन के अंदर 1000 पॉइंट मिनिमम गिरेगा, 10 दिन के अंदर, उसके बाद मिनिमम 1000। और बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग तो बहुत अच्छी दिया है, 51500 के ऊपर दिया, लेकिन वही है, चैनल का ब्रेकआउट नहीं आया कहीं पे। तो ओवरऑल यही सब बातें मैं करना चाहता था, और कोई डिटेल्ड वीडियो अगर मैं रहा, आज मुझे टाइम मिला या मौका मिला, तो मैं समझाऊंगा चार्ट में भी आपको, आज या कल तक बन ही जाएगा, ठीक है। और आने वाले टाइम में मैं आपको इतना बोल देता हूँ, जुलाई सीरीज़ में जो है, स्पेशली फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई सीरीज़ बिफोर बजट, बजट 18, कुछ लोग 18 जुलाई बोल रहे हैं, कुछ लोग 22 जुलाई बोल रहे हैं, तो बजट के 1-2 दिन पहले मंदी रुक जाएगी, 2 दिन पहले बस। लेकिन आप समझ लो 27 जून से घनघोर मंदी आएगी, अगर ये 2-3 दिन बढ़ता है निफ्टी,
ठीक है, हालांकि कल लो तोड़ा है वीकली, घनघोर मंदी आएगी 27 जून से। और मैं आपको वादा करता हूँ बिफोर 15 जुलाई आपको 22,800 के नीचे का लेवल दिखा दूंगा, बिफोर 15 जुलाई 22,800 के नीचे का लेवल दिखा दूंगा। मेरा टारगेट 22,500 के करीब है, 500 550, लेकिन 22,800 तो आ ही जाएगा बिफोर 15 जुलाई। अगर आपके साथ अगस्त के पुट है तो बिंदास बैठिए, क्योंकि बजट वाले खाली एक दिन तेजी होगी और उसके दो तीन दिन पहले तेजी होगी और बजट वाले दिन, उसके बाद और बड़ी गिरावट आएगी, ये भी बता देता हूँ। तो यही सब बताना था। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।